1984 के सिख दंगों को लेकर मंत्री पीसी शर्मा ने सफाई दी थी, जिस पर पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने जस्टिस ढींगरा की रिपोर्ट का अध्ययन नहीं किया है। जस्टिस ढींगरा ने अपनी रिपोर्ट में कई ऐसे लोगों को बेनकाब किया जो सिख दंगों के आरोपी थे। इसके साथ उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर असत्य बोलने का आरोप लगाने वाले पहले जस्टिस ढींगरा की रिपोर्ट का अध्ययन कर लें। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के बारे में जो पीसी शर्मा बोल रहे हैं उस बारे में पूरा देश जानता है कि तत्कालीन केंद्रीय कांग्रेस की सरकार ने उनके साथ षड्यंत्र किया था जो अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। सिख दंगों के ऊपर मध्य प्रदेश सरकार ने जो सफाई दी है, मेरा मानना है कि उन्होंने शायद जस्टिस ढींगरा जी की रिपोर्ट को पढ़ा नहीं है, जिन्होंने सिख दंगों में कई आरोपियों को बेनकाब किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी पर असत्य बोलने का जो आरोप कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश की लगा रही है, मेरा उनसे निवेदन है कि जस्टिस ढींगरा की रिपोर्ट को पढ़ें तो सारा सच सामने आ जाएगा। जहां तक गृह मंत्री अमित शाह जी के बारे में उन्होंने कहा है, ये पूरा देश जानता है कि उस समय की तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक उन्हें फंसाया था जो बाद में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और बिल्कुल बेदाग उज्जवल होकर वो निकले थे। प्रतीक्षा करें, कांग्रेस की सरकार जल्दी न करे, इसमें भी सब स्पष्ट हो जाएगा।